नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेट में। और आज मैं लेकर आपके सामने ट्रिपल सी एग्जाम पॉइंटर। जी हाँ दोस्तों, ये घटना चक्र की पुस्तक है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में ट्रिपल सी जो एग्जाम है उसको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लगभग लगभग मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये आप चाहिए ही चाहिए। तो सिचुएशन में ट्रिपल सी की तैयारी करना भी अपने आप में एक छोटा सा चैलेंज है। आप अगर कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेते तो आपको भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर शॉर्टकट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत पतली सी पुस्तक है, और इसकी हेल्प के द्वारा अगर आपने ये पूरी पढ़ ली एक बार, आपने किसी कॉन्सेप्ट को याद कर लिया, तो आपको ट्रिपल सी में ए ग्रेड या बी ग्रेड तक की जो मार्क्स है वो लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज इसी बुक का हम रिव्यू करेंगे, घटना चक्र द्वारा। जैसा आप जानते हैं, घटना चक्र अपने आप में ही एक नाम है, पब्लिकेशन का जबरदस्त बुक्स छापता है, एग्जाम ओरिएंटेड बुक छापता है। उसी के छोटा छोटा सा रिव्यू करेंगे। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका मूल्य है मात्र 80 रुपये, और नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो 112 नंबर ऑफ पेजेस आपको इस पुस्तक में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर के मटेरियल की अगर हम बात करें, क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर आपका कैशबैक कूपन कोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने न्यू एडिशन लिया है तो न्यू एडिशन जरूर लेना, अगर आपको 50 रुपये का डिस्काउंट कूपन चाहिए। आगे चलते हैं। आगे जैसे आप आगे खोलोगे तो इसमें कंटेंट्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कंटेंट्स मिलेगा देखने के लिए कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो कंटेंट्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो कंटेंट्स में आपको कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जीआईयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, जीआईयू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, राइटर के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग राइटर, स्प्रेडशीट और कैल्क, स्प्रेडशीट कैल्क, छोटी प्रस्तुतियां, इम्प्रेस बनाना, मेक स्मॉल प्रेजेंटेशन इम्प्रेस, कंप्यूटर का संचार और इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर, WWW और वेब ब्राउजर, WWW एंड वेब ब्राउजर्स, संचार और सहयोग, कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो आपको हम बता दें कि ये पुस्तक ट्रिपल सी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो सिलेबस भी सारा उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या मटेरियल आपको देखने को मिलता है आपको बता दें। तो क्वेश्चन उठता है, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, तो आपको बता दें दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए है। एक कॉलम में वो चीज हिंदी में मिलेगी और दूसरे कॉलम में वही चीज आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो जो लैंग्वेज आप, जिसमें आप खुद को सुटेबल फील करते हो, आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिएगा। लीन एवन पॉइंटर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। तो वही चीज हिंदी में, वही चीज इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। होता क्या है, जैसे मुझे किस तरह की बुक पढ़ने मजा आता है, जिसमें थोड़ी सी इंग्लिश हो, थोड़ी सी हिंदी हो, क्योंकि कुछ टर्म्स हम हिंदी में याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और कुछ ऐसी होती है, आपको आपको प्योर हिंदी चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक मिक्स फॉर्म चाहिए होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है। आपको इसमें खास बात क्या मिलती है, हर एक पेज पे इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ड्यूनो का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ड्यूनो में आपको एक एक थ्योरेटिकल थोड़ी सी स्टोरी बताई जाएगी किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे यहाँ पे चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया गया है, कौन है, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, सब कुछ इसमें बताया गया है ड्यूनो में। जैसे जैसे आप अगले पेज पर जाएंगे, क्वेश्चंस आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे भारी होते जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो चीज समझ में आए डायरेक्टली समझो, जो चीज समझ में ना आए उसके लिए आप कोई वीडियो देख लीजिए या खुद से कंप्यूटर बैठ के देख लीजिए, क्या ये शॉर्टकट जो दिया गया है सही है या सब कुछ। अगला ड्यूनो आपको दिया गया है ENIAC, तो इस प्रकार से इसके बारे में ENIAC है क्या पूरा बताया गया इसके अंदर। थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे जैसे आप, तो आपको इसके अंदर पॉइंटर वाइज और क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर ड्यूनो में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर ASCII स्टैंड मतलब किसके लिए स्टैंड करता है ये क्या होता है, पॉइंटर वाइज क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो बड़ी शानदार बुक है, ट्रिपल सी का शॉर्टकट है ये, मान लीजिए आप शॉर्टकट है, अगर आप इससे तैयारी करके जाते हैं तो आपका जो पेपर है वो क्रैक होना बिल्कुल तय है। आपको किसी को किसी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोचिंग से फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है। 590 का फॉर्म आता है, 590 रुपये का, आप ऑनलाइन खुद मोबाइल से फिल कर दीजिए और पेपर देके आ जाइए। 3 महीने बाद आपका पेपर होता है जब आप उसका फॉर्म फिल करते हैं लगभग लगभग।
तो इस प्रकार बड़ी शानदार बुक है, आपको ये पढ़नी जरूर चाहिए। और अभी मेरा एक फैमिली मेंबर है, मैं इसी बुक से उसकी तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि सभी बुक में मुझे इस बुक का तोड़ नहीं मिला, ये बुक सबसे अच्छी लगी, सबसे पतली है और सबसे अच्छी है। बुक्स तो और भी है लेकिन काफ़ी मोटी बुक है, क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में प्रेजेंट किए गए, इसमें बड़े इजी वे में जो क्वेश्चन है प्रेजेंट किए गए, चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू इस पुस्तक का, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।